नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 30 और 31 जनवरी को नहीं बंद होंगे बैंक। बिहार के वोटर्स की संख्या पहुंची 7 करोड़। बिहार में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। बिहार के सभी जिलों में बनेगा इंजीनियरिंग कॉलेज। रणजी ट्रॉफी फाइनल जीतने से 6 विकेट दूर बिहार। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डाक विभाग ने 40,889 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवा के कुल मिलाकर 40,889 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अपने राज्य की भाषा का ज्ञान और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2023 तक है। इसमें आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस पद के लिए सिलेक्शन जनरेटेड मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। 30 और 31 जनवरी को नहीं बंद होंगे बैंक। कुछ दिनों से यह खबर चल रही थी कि 28 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी बैंक बंद रहेंगे, लेकिन अब बता दें कि अब 30 और 31 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे। दरअसल ऐसी खबर चल रही थी कि 28 को चौथा शनिवार और 29 को रविवार रहने से बैंक बंद रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर रहेंगे, जिस वजह से बैंक बंद रहेंगे। जिसके बाद अब इस मामले को लेकर इंडियन बैंक एसोसिएशन एवं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच सकारात्मक वार्ता होने के कारण 30 और 31 तारीख बैंक कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी के द्वारा दिया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह के बारे में। अभिमन्यु सिंह एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। वह मुख्यतः हिंदी फिल्मों समेत तेलुगु फिल्मों में भी नजर आते हैं। अभिमन्यु सिंह ने अपनी हिंदी सिनेमा करियर की शुरुआत साल 2001 में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन स्टार फिल्म अक्स से की थी। इस फिल्म का निर्देश राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया था। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल के रंसा सिंह के किरदार से मिली थी। हालांकि फिल्म दर्शकों द्वारा नकार दी गई थी, लेकिन आलोचकों ने फिल्म को बेहद सराहा था। उन्हें इस भूमिका के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया था, जिसके बाद वह वर्ष 2010 में राम गोपाल वर्मा निर्देशित फिल्म रक्त चरित्र में बुक्का रेड्डी की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में भी उन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों और आलोचकों को दिल जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने कई हिंदी सीरियल्स और वेब सीरीज में भी काम किया है। रणजी ट्रॉफी फाइनल जीतने से 6 विकेट दूर बिहार। रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप फाइनल में बिहार की टीम जीत के दहलीज पर खड़ी है। रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप फाइनल में बिहार और मणिपुर की टीम आमने सामने है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बिहार ने मैच में अपना सिकंजा कस लिया है। चौथे दिन बिहार की टीम 337 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस तरह मणिपुर को 531 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। जवाब में मणिपुर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज रोनाल्ड सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मणिपुर की पारी संभली, लेकिन कप्तान आशुतोष अमन ने 2 विकेट चटकाकर मणिपुर की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। इससे पहले बिहार की तरफ से ऋषभ राज ने शानदार शतकीय पारी खेली और टीम को 300 के पार पहुंचाया। ऋषभ ने 132 रन बनाए। अब खेल का एक दिन बचा है। बिहार को जीत के लिए 6 विकेट चाहिए, जबकि मणिपुर को 424 रन और बनाने होंगे। बिहार के वोटर्स की संख्या पहुंची 7 करोड़। निर्वाचन विभाग की ओर से बिहार में वोटरों की संख्या को लेकर एक डाटा तैयार किया गया है। तैयार किए गए इस डाटा से यह बात सामने आती है कि बिहार में अब वोटरों की संख्या 7 करोड़ तक पहुंच गई है। इसमें पुरुष वोटरों की संख्या 3,97,88,459 है, वहीं महिला वोटरों की संख्या 3,60,22,919 हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों की तुलना में 1.06 लाख अधिक बढ़ी है। इससे निर्वाचक सूची के लिंगानुपात में भी 3 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अब लिंगानुपात 902 से बढ़कर 905 हो गया है। इसके साथ ही थर्ड जेंडर के निर्वाचकों की संख्या में भी 61 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब इनकी संख्या बढ़कर 2,357 से बढ़कर 2,418 हो गई है। बिहार के कारखानों
को बिहार सरकार की सख्ती, बिहार के सभी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को उनके हक से वंचित न रखा जा सके, इसके लिए बिहार सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। बता दें कि अब बिहार में मजदूर पैच, बता दें कि बिहार में मौजूद सभी कारखानों के मालिकों को हर 6 माह पर थर्ड पार्टी सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट ऑनलाइन तरीके से श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर भेजनी होगी। वहीं वैसे मालिक जो ऐसा नहीं करते हैं उनके खिलाफ विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि इस दौरान कारखाना में मौजूद सभी मशीनों की जांच की जाएगी और साथ ही आपदा के दौरान क्या क्या व्यवस्था की गई है, कामगारों की टाइमिंग क्या है, किस तरह से काम लिया जाता है समेत कई चीजों के बारे में जानकार रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर विभाग के द्वारा अपने स्तर से कार्रवाई की जाएगी। फाइलेरिया उन्मूलन में जीविका दीदियों की भूमिका महत्वपूर्ण। फाइलेरिया से बचाव के लिए राज्य में 10 फरवरी से सवर्जन दवा सेवन अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें अगले 14 दिनों तक 24 जिलों में दवा खिलाया जाएगा। इसकी जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा दी गई है। इसके लिए सभी लोगों के द्वारा अपील किया गया है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खासतौर पर इसके लिए जीविका दीदी से अपील की गई है कि वे खुद भी दवा लें और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी इसकी दवा लेने के लिए प्रेरित करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइलेरिया एक घातक बीमारी है जिससे लोग विकलांग भी हो सकते हैं। इसी के लिए इस रोग के रोकथाम के लिए हर साल सवर्जन दवा सेवन अभियान चलाया जाता है। बिहार के 9 जिलों में छात्रों से अधिक छात्राएं देंगी इंटर परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रत्येक जिले से इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र और छात्राओं का आंकड़ा जारी किया गया है। बता दें कि जारी किए गए आंकड़े के अनुसार बिहार के 9 जिले ऐसे हैं जहां छात्रों की तुलना में अधिक छात्राएं इंटर की परीक्षा देने वाली है, जिनमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, औरंगाबाद, बेगूसराय, किशनगंज, सिवान और गोपालगंज जिला शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छात्राओं के लिए 83 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें केंद्राधीक्षक से लेकर वीक्षक सहित अन्य स्टाफ भी महिला भी होंगी। बताते चले कि समिति के आंकड़े के मुताबिक पिछले साल राज्य में 5 जिले ऐसे थे जहां इंटर की परीक्षा देने वालों में छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिक थी। मालूम हो कि इंटर की परीक्षा की शुरुआत 1 फरवरी से हो रही है। सीएम नीतीश का ऐलान, बिहार के सभी जिलों में बनेगा इंजीनियरिंग कॉलेज। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने अलौली प्रखंड के रौन गांव में बने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और साथ ही गांव का दौरा भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामविलास के घर तक रोड भी बनवाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदी से संवाद भी किया और साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मालूम कि बीते दिन समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी समेत बड़ी संख्या में जेडीयू नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे पापहरनी सरोवर के बारे में। पापहरनी सरोवर बांका जिले का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह सरोवर बांका जिले में बौंसी में मंदार हिल की तलहटी पर बना हुआ है। यहाँ पर आपको सरोवर के बीच में विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता का मंदिर देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर में जाने के लिए पुल बना हुआ है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। मंदिर में आपको वैकुंठ निवासी विष्णु भगवान जी की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है, जिनकी पेट की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस सरोवर में आकर स्नान करता है उसके जीवन के सारे पाप यहाँ मिट जाते हैं। यहाँ पर आप सरोवर में बोटिंग का मजा ले सकते हैं। सरोवर के चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है और यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान भी करते हैं। सरोवर के पास में ही आपको एक समुद्र मंथन की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है, जिसमें राक्षस और देवता लोग समुद्र का मंथन कर रहे हैं। यह प्रतिमा बहुत सुंदर लगती है। यह जगह बहुत सुंदर है और यहाँ पर आकर अच्छा लगता है। यह बांका की सबसे अच्छी जगह है। 119 कॉलेजों 8 वीवी की नैक मान्यता 28 फरवरी तक बढ़ी। 119 कॉलेजों और 8 विश्वविद्यालयों की नैक मान्यता के अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक कर दिया गया है। इनमें 38 कॉलेज वैसे शामिल है जिनकी नैक मान्यता इस समय बहाल है, बाकी बचे अन्य कॉलेज अपनी नैक मान्यता गवा चुके हैं, जिस वजह से उन्हें 28 फरवरी तक का मोहलत दिया गया है। यानी कि अब कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अपनी नैक मान्यता बनाए रखने के लिए 28 फरवरी तक इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट और सेल्फ स्टडी रिपोर्ट अपलोड करना होगा। इसी के आधार पर उन्हें आगे राहत मिलेगी। वहीं वैसे कॉलेज जो नैक मूल्यांकित नहीं होंगे उन्हें राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान से अनुदान लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में
बढ़ी पर्यटकों की संख्या। बिहार में पर्यटकों की संख्या में वर्ष 2020 और 2021 की तुलना में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। बता दें कि 2022 में बिहार में 2,54,00,000 पर्यटकों ने भ्रमण किया है, जो 2022 की तुलना में 4 गुना और 2021 की तुलना में 10 गुना अधिक है। हालांकि अगर 2019 में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या की बात करें तो 2019 में 3.5 करोड़ पर्यटक बिहार भ्रमण पर आए थे, यानी कि 2022 में 2019 की तुलना में 1 करोड़ कम पर्यटक ही बिहार आए हैं। बता दें कि बिहार में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर सोनपुर मेला है, जहां 1,12,50,000 लोगों ने भ्रमण किया। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर गया और तीसरे नंबर पर पटना है। बिहार में 1 फरवरी से फिर लौटेगी ठंड। अगर अब आप ऐसा सोचने लगे हैं कि अब सर्दी खत्म हो गई है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार सर्दी का थर्ड वेव एक बार फिर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 फरवरी से एक बार फिर राज्य में ठंड दस्तक दे सकता है, जो कि लगभग 4 दिनों तक रह सकता है। इस दौरान दिन और रात के पारे में लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं 5 फरवरी से एक बार फिर मौसम करवट लेगा और पारा ऊपर चढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 30 और 31 जनवरी को दक्षिण और पश्चिम बिहार में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे 1 फरवरी से पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी। वहीं बारिश होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी और ये लगातार जारी रहेगा। बिजली कंपनी ने 300 दिन में ही वसूले 10,000 करोड़। बिजली कंपनियों के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधिक राजस्व संग्रहण किया गया है। बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 2021-22 में बिजली कंपनी के द्वारा 357 दिन में 10,742 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया गया था। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिजली कंपनियों के द्वारा केवल 300 दिनों में ही 10,000 करोड़ रुपए राजस्व का संग्रहण किया जा चुका है, यानी कि समान अवधि की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 28% राजस्व संग्रहण की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण के लिए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के द्वारा बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक और सभी कर्मचारियों को बधाई दी गई। वहीं पावर होल्डिंग कंपनी के CMD संजीव हंस ने बधाई देते हुए कहा कि इसका श्रेय मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के मार्गदर्शन और उनके अमूल्य सुझाव को दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का बदल गया नाम। केंद्र सरकार के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन के खूबसूरत मुगल गार्डन के नाम को बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। अगर आप भी खूबसूरत अमृत उद्यान को देखना चाहते हैं और यहां मौजूद खूबसूरत फूलों का आनंद लेना चाहते हैं तो आम जनता के लिए यह उद्यान 31 जनवरी से 26 मार्च तक खोला जाएगा। इसके बाद 28 मार्च को सिर्फ किसानों के लिए, 29 मार्च को दिव्यांग लोगों के लिए, 30 मार्च को पुलिस सुरक्षा बल और सेना के परिवारों के लिए इस उद्यान को खोला जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान में जारी कर यह कहा गया है कि अमृत उद्यान में उन लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने ऑनलाइन अग्रिम बुकिंग करवाया होगा और उनके पास पास होगा। बता दें कि गार्डन खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। आरजेडी नागालैंड विधानसभा चुनाव में इतने सीटों पर उतरेगा। नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर कृषि मंत्री सर्वजीत और राजद नेता भोला यादव पूरी स्थिति का जायजा लेने नागालैंड गए थे, जिसके बाद अब वे वहां से लौटकर पूरी रिपोर्ट तेजस्वी यादव को सौंप दिए हैं। वहीं अब इस चुनाव को लेकर राजद के द्वारा आगे की जाने वाली तैयारी के लिए सोमवार को नागालैंड जाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चुनाव में आरजेडी की तैयारी 11 सीटों के लिए होगी। वहीं इस चुनाव से जुड़ी अधिसूचना 31 जनवरी 2023 को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 7 फरवरी है और 27 फरवरी को मतदान होना है। बताते चले कि इस चुनाव के मैदान में आरजेडी के साथ जेडीयू भी रहेगी। ऐसे में यह कोशिश जरूर होगी कि दोनों दलों के बीच किसी प्रकार का कोई टकराव न आए। अमित शाह का राजधानी पटना आने का बदला तारीख। भाजपा राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पटना आने की तारीख में बदलाव हो गया है। बता दें कि पहले अमित शाह राजधानी पटना में 22 फरवरी को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अब वह 22 फरवरी के बदले 25 फरवरी को पटना आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमित शाह के पटना आने के बाद बिहार पॉलिटिक्स में बड़ा खेला हो सकता है। मालूम हो कि अमित शाह का ये दौरा पिछले 4 महीने में तीसरा दौरा होगा। बता दें कि सबसे पहली बार अमित शाह बिहार दौरे पर 23 और 24 सितंबर 2022 को थे, जब वे सीमांचल के किशनगंज और पूर्णिया आए थे। वहीं दूसरी बार वो इसके ठीक 20 दिन बाद 12 अक्टूबर को जेपी की जयंती के मौके पर छपरा की सिताब दियारा पहुंचे थे और अब यह इनका तीसरा दौरा है जिसमें वे राजधानी पटना आने वाले हैं।
भाई वीरेंद्र ने अधिकारियों को दी चेतावनी। बीते दिन राजद के वरिष्ठ नेता सह विधानसभा के प्राकलन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने वित्तीय योजना संबंधी सभी विभाग अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को डांट फटकार लगाकर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से कहा कि पहले एनडीए की सरकार थी, लेकिन अब महागठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री नौजवानों के नेता तेजस्वी यादव है और दोनों की यही चाहत है कि सर जमी पर काम हो। उन्होंने कहा कि अब लफा शूटिंग वाला काम नहीं चलेगा, इसलिए आप सभी अपना मिजाज बदल लीजिए, क्योंकि अब सरकार भी बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन जनता के हित में काम करना चाहती है, इसलिए अधिकारी भी अब जनता के हित में ही काम करें। सीएम नीतीश का चिराग पासवान पर प्रहार। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान पर तंज कसा। जब सीएम से सवाल पूछा गया कि रामविलास पासवान का गांव इसी गांव में है और आपने ही उनके गांव सहरबन्नी जाने के लिए पुल बनवाया था, इस पर नीतीश कुमार जवाब देते हुए कहते हैं कि उनके गांव जाने का इंतजाम हमने ही करवाया है, आप लोग इस बारे में पता भी करवा सकते हैं, सब यही बोलेंगे कि हमने ही बनवाया है जाने का रास्ता। इसके साथ ही उन्होंने अपने इस यात्रा के दौरान ने कई कामों का जायजा भी लिया। प्रशांत किशोर ने फिर सीएम नीतीश और लालू यादव पर किया हमला। बीते दिन चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपनी जन स्वराज पदयात्रा के दौरान गोपालगंज के पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत खाल गांव पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 32 साल में आपने जात धर्म के नाम पर लोकतंत्र को राजतंत्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप सभी सिर्फ लालू नीतीश को वोट करेंगे तो गरीबी और भूखमरी कैसे दूर होगी। अगर कोई नेता मंत्री 5 साल तक काम नहीं करता है तो आप सभी उसे झाड़ू मारकर सत्ता से बाहर कर दीजिए। आज के समय में बिहार में हर नेता कहते हैं कि 10 लाख नौकरी दे देंगे। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि जब सरकार बन गई तो नौकरी तो दूर, लोगों को लाठी डंडे से मारा जाता है। भारत के लिए करो या मरो वाला मुकाबला। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय टीम को 21 रन से हार का सामना करना पड़ा था और इस तरह 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पिछड़ गई। इसलिए यह मैच भारत के लिए काफी अहम होने वाला है। इसमें अगर टीम हार जाती है तो सीरीज हार जाएगी, इसलिए हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला होगा। वहीं न्यूजीलैंड भी इस मैच को जीतकर सीरीज जीतने के इरादे से ही उतरेगी। भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा T20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल साम्राज्य वंश के संस्थापक बाबर ने 1528 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराकर चंदेरी के किले पर कब्जा किया। देश के पहले समाचार पत्र हिक्की गजट या बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर का कोलकाता से 1780 में प्रकाशन आरंभ हुआ। भारत की सबसे पहली और 2 इंजन वाली जम्बो ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस को 29 जनवरी 1969 को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर मद्रास रवाना किया गया। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय योगी बना। क्रिकेटर विनोद कांबली का 1993 में टेस्ट में पदार्पण। भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 को 1994 में रद्द किया। भारत के तेज इरफान पठान 2006 में टेस्ट क्रिकेट में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी 2007 में जमीन जैक्सन को हराकर लंदन के चैनल 4 के रियलिटी शो में बिग ब्रदर चैंपियन बनी। आज के दिन को बीटिंग द रिट्रीट के रूप में मनाया जाता है। वायलखंड में आज हम बात करेंगे पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत आधे दाम में ट्रैक्टर मुहैया करा रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। चेक करें ऐप फर्जी है या नहीं। इन दिनों फर्जी ऐप व सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर बैंकिंग फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। कई बार साइबर एक्सपर्ट टारगेट को विश्वास में लेकर फोन में गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कराते हैं। अगर ऐसे में आप जानना चाहते हैं कि ऐप सही है या नहीं, तो आपको इसके लिए सबसे पहले उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने से पहले जांच कर ले कि उस ऐप को किसने तैयार किया है। जैसा कि अगर आप SBI ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करें, इसके बाद SBI के ऐप पर क्लिक करें और उसके बाद ऑफर्ड वाई और डेवलपर वाई की जांच करें। अगर ऑफर्ड वाई में SBI और डेवलपर में भी SBI का नाम है तो ऐप डाउनलोड कर ले। पठान
की दहाड़ पर शाहरुख ने दिया देशभक्ति भरा जवाब। शाहरुख खान की फिल्म पठान का रिलीज हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और फिल्म ने अब तक खूब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार इसी बात का शुक्रिया अदा करने के लिए हाल ही में शाहरुख खान ने ट्विटर पर #AshkSRK रखा, जिस पर एक फैन ने उनसे पूछा कि सर पठान ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि प्रेम जाति धर्म भाषा क्षेत्र से ऊपर है, पठान आपकी सफलता है, भारत की सफलता है, ऐसी स्थिति के साथ जिम्मेदारी आती है और मुझे आशा है कि आप भारत और भारतीयों को एकजुट करने के लिए और अधिक प्रयास करेंगे, जय हिंद। इस पर शाहरुख खान ने भी देशभक्ति अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि यदि एक सत्य है तो वह है कि हम सब एक ही माँ और पिता की संतान है, भारत के, हिंदुस्तान के, इंडिया के, जय हिंद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, श्वेता रॉय, रवि कुमार राम, गणेश कुमार पंडित, वेद प्रकाश सिंह, मनीष कुमार, कुश कुमार यादव, जीवनाथ मंडल, पंकज कुमार, शंकर मुखिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, रूपेश कुमार, दुलार चंद्रा कुमार, मोहम्मद काशिफ, नुन्नू गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।